हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशु शर्मा, योर बिजनेस टीचर। टुडेस टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट थ्री प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्योर के नेक्स्ट थ्री प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। नाइन्थ है हमारा स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यानी कि स्केलर चेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होनी जरूरी है। स्केलर चेन में क्या बात याद रखनी है? लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चेन क्या है? लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है। क्या करना है? फॉलो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन को फॉलो करना है। चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक की तरफ चलती है। और सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन का सिस्टमैटिक फ्लो होता है। कि ये नहीं कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करते हो। यानी कि अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन गैप वाला। कम्युनिकेशन गैप कैसे? कि मैं एक सुपरवाइजर हूं कंपनी के अंदर और मेरे अंडर में वर्कर काम करते हैं, और वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझसे वो प्रॉब्लम डिस्कस ना करके सीधा मैनेजर या किसी डायरेक्टर से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो कम्युनिकेशन गैप से बचने के लिए ही स्केलर चेन फॉलो होता है। तो दो बातें याद रखना, पहली, अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो स्केलर चेन फॉलो नहीं हुआ। अगर स्केलर चेन हमारी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं हुई तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होना पॉसिबल है। क्लियर है? अब मैं इसे एक डायग्राम बना रखा है, ध्यान से देखना। ये हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट चल रहा है, हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डी एम्प्लॉय को ई एम्प्लॉय से काम था, डी एम्प्लॉय को वर्क है किससे? ई एम्प्लॉय से। तो डी एम्प्लॉय को पहले इंफॉर्मेशन बी को देनी होगी, बी ए को देगा, ए सी को देगा, सी ई को देगा, यानी कि पूरा स्केलर चेन फॉलो होगा, कोई कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं होगा। बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम इसमें वेस्ट होता था ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या करा इन्होंने? बनाया गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? इट परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम लेवल पे वर्क करते हैं, वो गैंग प्लैंक का यूज करके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। यानी कि डी को ई से वर्क है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो डी डायरेक्ट ई को दे सकता है बिना स्केलर चेन को फॉलो करे। किसके जरिए? गैंग प्लैंक के जरिए। ध्यान रखना, गैंग प्लैंक के यूज करके ही स्केलर चेन फॉलो नहीं होती। क्लियर है? स्केलर चेन फॉलो करना पक्का है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्केलर चेन फॉलो होनी है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कोई आदेश देना, कोई कमांड देना, कोई कमांड देना नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। ऑर्डर का मतलब, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट करना, ऑर्डरली अरेंजमेंट। किसका? मैन और मेटेरियल। जो भी इंप्लॉय या जो भी फिक्स एसेट, कोई भी रॉ मेटेरियल वर्क कर रहा है या वर्क किया जा रहा है उसके जरिए किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट होना है। किसका? मैन और मेटेरियल का। जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रही है उसका अरेंजमेंट का मतलब कैसे? उसका कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए, कोई भी थिंग हो चाहे कोई व्यक्ति हो। क्लियर है? जैसे कि सुपरवाइजर का केबिन कहाँ है, डायरेक्टर का केबिन कहाँ है, लेबर की सीट कहाँ है, रॉ मेटेरियल कहाँ मिलेगा, टूल किट कहाँ पे होगी, हर एक का फिक्स प्लेस होना जरूरी है। जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, हर एक जगह जहां पर मैनेजमेंट है वहां पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता है तो कोई रिसोर्सिस का या टाइम का वेस्टेज नहीं होता। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं है तो एक तो वेस्टेज होगा किसका? टाइम का और एनर्जी का। और नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट राइट टाइम। मुझे किसी व्यक्ति से आज 10 बजे मिलना है, किसी राइट टाइम पे मिलना है, अगर उसका ऑर्डर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उससे टाइम पे नहीं मिल सकते। क्लियर है? जैसे कि छोटा सा एग्जांपल क्या लिया है, स्कूल के अंदर बुक ऑफिस में है, बुक्स कहाँ होनी चाहिए? लाइब्रेरी में। चौक कहाँ है? लाइब्रेरी में। चौक कहाँ होनी चाहिए? स्टाफ रूम में। ऑफिस रिकॉर्ड कहाँ है? स्टाफ रूम में। होना कहाँ चाहिए? ऑफिस में। प्रिंसिपल कहाँ चाहिए? प्रिंसिपल रूम में, वो है ग्राउंड में। अगर ये चीज का अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वॉयलेटेड हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है जो एम्प्लॉयज हमारे पास वर्क कर रहे हैं, अंडर में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा ट्रीटमेंट करना है, काइंड और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए उनके साथ, काइंड और
फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड या बॉस या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो एम्प्लॉयज हमारे अंडर में वर्क कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल को अचीव करने में मैक्सिमम एफर्ट लगाए, कोई भी एम्प्लॉय मैक्सिमम एफर्ट तब लगाता है अगर उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट विद काइंडनेस, दो वर्ड लिखूंगा, ट्रीटमेंट काइंडनेस के साथ हो एंड जस्टिस, उसके साथ न्याय भी हो तभी वो मैक्सिमम एफर्ट लगाता है। इक्विटी, यहां पे इक्विटी को ध्यान से समझना, इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सैलरी इक्वल हो, सैलरी नॉट इक्वल, यानी कि पियोन और सुपरवाइजर की सैलरी इक्वल नहीं है। इक्विटी का मतलब है चाहे पियोन हो चाहे सुपरवाइजर हो, कोई भी इंप्लॉयज हो, उनके लिए डिसिप्लिन के रूल हो चाहे रेगुलेशन हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, वो सेम होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, कोई रिलीजन जेंडर में बायसमेंट नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर ये पक्षपात होता है, इक्विटी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अनहेल्थी रिलेशन बनते हैं किसके अंदर, किसके बीच में, सुपीरियर्स और सबोर्डिनेट्स, वर्कर्स और हेड बॉसेस के बीच में अनहेल्थी रिलेशन क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुनना क्या एग्जांपल दिया है, ए और बी टाइपिस्ट है इन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर दो टाइपिस्ट है ए और बी, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम वर्क करते हैं, सेम लेवल पे सेम टाइम वर्क करते हैं, पर सैलरी में डिफरेंस है 16,000 और 10,000, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वॉयलेटेड हुआ है। क्लियर है, इसके लिए चैन को फॉलो करना जरूरी है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए सभी चीजों का, और इक्विटी सभी के साथ ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। क्लियर है, थैंक्स।